नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर टॉपिक, एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय के ऊपर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाह के बाद भी कहीं और संबंध होना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पुरुषों के ही संबंध होते हैं, महिलाओं के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। और कई महिलाएं मुझे अपनी कुंडली दिखाती है इस बात को कन्फ्यूज करते हैं, कई पुरुष मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं इस बात को कन्फ्यूज करते हैं। हाँ, पुरुषों की तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पुरुषों का अफेयर किससे होगा? महिलाओं से ही तो होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये चीज़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इंटरनेट के ज़माने में और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, अपना पार्टनर सिलेक्ट करने का अधिकार है, लेकिन एक बात है लीगल और एक बात है इलीगल। आप लीगली कुछ कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं और उसके साथ कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, ऑब्वियसली हर किसी का अपना एक जीवन है और अपना एक अधिकार है। लेकिन इलीगल तरह से अपने पार्टनर को धोखा दे करके कोई कार्य करना, वो तो ऑब्वियसली लूज कैरेक्टर को शो करता है, अब वो महिला का हो या वो पुरुष का हो। तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा मेरे पास आती है। कई कई पति अपनी पत्नियों को लेकर परेशान होते हैं, कई पत्नियां अपने पतियों को लेकर के परेशान होती हैं और फिर मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया और उसके लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो रोल है वो है कुंडली मिलान। यदि आपने विवाह किया है और अच्छे से कुंडली मिलान नहीं हुआ, तो स्थितियां जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जा सकती है, जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जा सकती है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, कुंडली मिलान में लव एंड अंडरस्टैंडिंग, इन दो चीजों को बेसिकली देखा जाता है। हालांकि इससे ज्यादा और भी बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, लेकिन लव एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिक है। अभी कुंडली में कुछ दोष आ जाते हैं, भकुट दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष जैसे कोई दोष जो कि पति या पत्नी के प्रेम को दूर करना या अलग करने का काम करते हैं। और फिर उसी के साथ साथ पति या पत्नी की कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसी युतियां हो जाए, जैसे मंगल शुक्र का युति लग्न कुंडली में होना या नौमांश कुंडली में होना कहीं ना कहीं वासना को जन्म जरूर देता है, और उसका प्रभाव पंचम भाव पर हो जाना, कुंडली के पंचम भाव पर कहीं दृष्टि हो जाना, पंचम भाव पर आकर के मंगल शुक्र ने बैठ जाना या फिर पंचमेश को किसी तरह से प्रभावित करना मंगल शुक्र ने, तो उस व्यक्ति में वासना की जो भावनाएं होती है वो ज्यादा हो जाती है। अब वासना की भावनाएं तो ज्यादा हो गई, लेकिन यदि बिना कुंडली मिलान करके शादी होती है तो वो पति या पत्नी से तृप्त नहीं हो पाती। अभी क्या है, अभी कहीं और मन लगता है तो कहीं और फिर जाते हैं। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है कि सिर्फ वासना को लेकर के ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते। कई बार ये प्रैक्टिकली, और मेरे पास कई सारे ऐसे केस हैं जिसमें वासना ठीक है एक पॉइंट होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें साथ नहीं मिल पा रहा था, हमें समझते नहीं हमारे पति या हमारी पत्नी, और उस वजह से हमें कहीं और मानसिक तौर पर हम कनेक्ट हो गए और उस वजह से जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया हमारा। तो इसकी पूरी जो जड़ होती है ना, ये कुंडली मिलान होती है। ठीक है, आपकी कुंडली में कोई योग बनता है, वासना का कोई अफेयर का योग बनता है, हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले का वो वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि कुंडली में लव मैरिज के योग कौन से होते हैं। लव मैरिज मतलब कि अफेयर बनेगा तो ही तो मैरिज होगा। अभी यदि वो अफेयर के योग है तो ऑब्वियसली अफेयर होकर के और फिर शादी हुई तो लव मैरिज हुई, लेकिन वो योग तो मैरिज के बाद भी है ना भाई, कुंडली तो चेंज नहीं होने वाली है मैरिज के बाद भी, तो योग तो है, तो वो योग है ठीक है, लेकिन यदि मिलान नहीं हुआ है तो उन योगों को और ज्यादा, जिसे हम कह सकते हैं और ज्यादा, जैसे आग में घी डालने का वो योग काम करेंगे। तो एक बार तो शादी हो गई, एक बार तो लव मैरिज हो गई अफेयर होने के बाद, लेकिन अब कुंडली मिलान नहीं हुआ तो पति या पत्नी से अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। अब सेटिस्फेक्शन देखिए मानसिक भी हो सकता है, जस्ट नॉट शारीरिक।
तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से जो है फिर कहीं और ध्यान जा रहा है, कहीं और मन जा रहा है। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि आप कुंडली मिलान में भकुट दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष, इनको देखना ही देखना है, कंपलसरी। कई लोग ये होते हैं, कई महानुभाव या सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं भकुट दोष इस तरह से कैंसिल हो गया, कर लो शादी, नाड़ी दोष इस तरह से कैंसिल हो गया, कर लो शादी, मंगल दोष इस तरह से कैंसिल हो गया, कर लो शादी। कई बार वो कैंसिलेशन नहीं होता, मेरी बात आप समझिए, मेरी बात मानिए। कई लोगों को, इवन अधिकतर लोगों को कैंसिलेशन कैसे होता है भकुट नाड़ी मंगल का ये पता ही नहीं है। और एग्जैक्टली थोड़े बहुत दो चार जो नियम है, शनि का प्रभाव हो गया, शनि सप्तम भाव में आ गए, शनि चतुर्थ भाव में आ गए, तो उस वजह से दो चार जोड़ियां हैं उनको सक्सेसफुल देख लिया, तो उनको लगता है कि सारी जोड़ियां जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है, कुंडली मिलान को बहुत जोर देना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, आप यदि बिजनेस करते हैं और बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है, आप दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, दूसरी कर सकते हैं। आप स्कूल पढ़ने गए, आपको स्कूल नहीं जमा, दूसरा ले लें, कॉलेज नहीं जमा, दूसरे कॉलेज में चले जाएं, दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लें वो नहीं जमा तो। लेकिन शादी नहीं जमी और दूसरी कर लें, ये बहुत ईजी नहीं है, और खासतौर पर हमारे भारत में। तो इसे ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और उसकी सबसे बड़ी वजह, कुंडली के बनने वाले योग जो होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन जब कुंडली मिलान नहीं होता तो उसके बाद में मन जो है वो कहीं दूसरी जगह जाता है। तो मेरी आप सभी लोगों से ये विनती होती है कि कुंडली मिलान बहुत अच्छे से करें या करवाएं। और बहुत अच्छे में ऑब्वियसली बेसिकली लव एंड अंडरस्टैंडिंग तो देखना ही देखना है, कंपलसरी देखना है। भकुट दोष, नाड़ी दोष, मंगल दोष देखना ही देखना है, कंपलसरी देखना है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें देखना जरूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट मिलान होना चाहिए। जैसे 36 गुण टोटल, ये आंकड़ों की बात करें तो 36 आंकड़े होते हैं, तो 36 के 36 आंकड़े, 36 के 36 गुण मिलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के ऐसा देखने जाएंगे तो शादी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमको सारे वे में देखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक है और ये तो देखना ही है पति और पत्नी के बीच में, तो कुंडली मिलान से वो तो पता चल जाता है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि कैरेक्टर कैसा है। अपोजिट जो जेंडर है, यदि आप लड़के की कुंडली देख रहे तो उनका, लड़की की कुंडली देख रहे तो उनका कैरेक्टर कैसा है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कुछ नाड़ी दोष जो आता है वो स्वास्थ्य की हानि करता है, वो लक की हानि करता है, वो संतान भी होने नहीं देता। तो क्या वैसे भी कुछ लोग हैं, क्योंकि संतान नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं जो प्रजनन हमारा तंत्र है वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो संतान नहीं हो पा रही, तो वो भी एक दिक्कत है। भकुट दोष भाग्य की हानि कर देता है, मंगल दोष तो अलगाव को ही, पूरी तरह से पति पत्नी को ही अलग कर देता है। अब कैंसिलेशन होते हैं इसके, लेकिन बहुत ज्यादा कैंसिलेशन को डीपली देखना पड़ता है, डीपली रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैत्री, मैत्री भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साइकोलॉजिकली कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि साइकोलॉजी देखिए पूरा खेल साइकोलॉजी का है, पूरा खेल जो है वो आपके आपकी सोच का है, आपके विचारों का है। और विचार यदि गलत नहीं होंगे तो गलत दिशा पर कोई नहीं जाएगा। तो मैत्री कैसी मिलती है, ग्रह मैत्री देखी जाती है चंद्र राशियों से। तो ये सारी चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम देखते हैं और कंसिडर करते हैं, जैसे ठीक है बहुत ज्यादा अच्छा मिलान नहीं हो रहा, लेकिन फिर पर्सनल कुंडली को देखो, कैरेक्टर अच्छा है क्या, कोई बहुत ज्यादा ऐसे वासनाओं के योग तो नहीं है, कोई ऐसे योग तो नहीं है कि वो विवाह को तोड़ने वाले हैं कुंडली में, धन के दृष्टिकोण से कोई खराब योग तो नहीं है कि धन की चाहत के वजह से कुछ और कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो देखना पर्सनल कुंडली में तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन कुंडली मिलान सबसे बड़ी जड़ जो है वो कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में जैसा मैंने बेसिक बेसिक आपको बताया, सारी चीजें देखना चाहिए, लेकिन और डीपली भी मिलान वही कर सकता है जिसे एक्सपीरियंस है, जो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है और जिसने कई सारी ऐसे विषयों में कुंडलियां देखी हैं, केवल वही कर सकता है। मेरे पास ढेर सारी कुंडलियां आती हैं, ढेर सारे ऐसे विषय आते हैं, मुझे लगता है मेरे पास ऐसा जीवन में कोई भी विषय नहीं रह गया होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, जो जिसकी कुंडली, जिस प्रकार की कुंडली या जिस प्रकार के उपाय
या जिस प्रकार की परेशानियां मैंने नहीं सुनी होंगी। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आपको उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए जिनके पास ऐसी परिस्थितियां डेवलप होती हो, जिनके पास ऐसी स्थितियां में कुंडलियां आती हो, और ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, झूला छाप ना हो, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ना हो, तो उनसे कुंडली अपना मिलान करवाइए। क्योंकि कई बार ये होता है कि शादी के बाद इश्यूज आते हैं और फिर मैं कहता हूँ भैया कुंडली मिलान आपका नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, तो बोलते हैं नहीं हमारा तो मिलान हुआ है, हमने तो करवाया था फला फला जो भी है। तो जब मैं डिटेल लेता हूँ और अपने से मिलान करता हूँ तो प्रॉब्लम आ जाती है, मिलान अच्छे से नहीं होता है। तो फिर ये पता चलता है कि कुछ सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो पता नहीं क्या देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं और लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। तो इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन एक जैसे कि भाई देखो, हो गया अभी शादी, हो गई, मिलान अच्छे से नहीं हो रहा, हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हो गया, अभी क्या करें? तो अभी ये होता है कि कई लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खासतौर पर महिलाएं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं इस बात में, मैंने ये देखा है, पुरुष बहुत कम कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो लोग करते हैं उन्हें मैं पर्सनल कुंडली देख करके और उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ जो जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनकी कुंडली देख करके ये सलाह देता हूँ कि इस प्लैनेट की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, चाहे वो नवमांश में हो, चाहे वो लग्न में हो। और फिर उसी के साथ साथ जो कुंडली मिलान है उसमें क्या इशू आ रहा है, भ्रकुट दोष आ रहा है, नाड़ी दोष आ रहा है, मंगल दोष आ रहा है, ग्रह मैत्री उसकी वजह है, वश्य वजह है, योनि वजह है, और स्पेशली उस चीज को देखने के बाद उसका एग्जैक्टली उपाय दिया जाता है। और उस उपाय को करके 60% कपल्स बोलते हैं कि हाँ हमें फायदा हुआ। देखिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, 60% मतलब 60%, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि 100% बोलते हैं, क्योंकि 100% को यदि फायदा हो जाता होता तो भारत में तो डाइवोर्स ही नहीं होते फिर, क्योंकि उपाय इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं और उपाय भी ढेर सारे हैं। तो कुंडली मिलान में उपायों की, यदि कुंडली मिलान में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उपायों की गारंटी नहीं है, लेकिन हम करके देख सकते हैं। मान लेते 100 कपल की कुंडली मिलान में एक जैसी प्रॉब्लम है, 100 कपल्स को कुछ उपाय दिया और उन उपायों में 60 कपल्स ये बोलेंगे कि हाँ हमें फायदा हुआ, 40 कपल्स बोलेंगे हमें फायदा नहीं हुआ, तो इस तरह का रेशो रहता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाई 40% रिस्क नहीं ली जानी चाहिए, इसलिए बिना कुंडली मिलान करके शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये स्थितियां बनती है। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली जो भी पार्टनर होगा, चाहे महिला होगी चाहे पुरुष होगा, कितना गुस्सा भी आएगा, कितना दुख भी होगा, कितना रोना भी आएगा, कितनी अपनी किस्मत को दोष भी देगा। इवन कई बार जो लव मैरिज किए हुए कपल होते हैं उनके ही साथ ये चीज हो जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अरेंज मैरिज में ये चीज होती है, इवन अरेंज मैरिज में तो और कम होगी यदि कुंडली मिलान करके शादी होती है। लव मैरिज में कुंडली मिलान के तो कोई चांसेस नहीं ना। मेरा कहने का मतलब है कि रैंडमली मिलान हो जाए वो ठीक है, भाई एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ने बिना किसी से कुंडली मिलान के शादी कर ली हो सकता था कि रैंडमली उनका मिलान हो रहा हो, यदि वो किसी को कुंडली दिखाते तो उनको कह दिया जाता कि हाँ शादी कर लो, अच्छे से मिलान हो रहा है, तो रैंडमली तो हो सकता है मिलान। लेकिन अरेंज मैरिज में तो मिलान होना ही होना चाहिए और 100% होना चाहिए। तो मैंने आपको ये मेरे पास केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस तरह के, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके आपको दिया जाए, इस पर कुछ बात मेरे द्वारा शेयर की जाए, जो कि निसंदेह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात होती है, इलीगली धोखा देना। कई बार ये होता है कि पति या पत्नी को पता भी नहीं चल पाता, कई बार होता है कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक साल था, अभी नहीं है, पत्नी को कोई पता ही नहीं। कई बार पत्नियों के साथ भी ये होता है, पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रहा था, खत्म हो गया, अभी पति को पता ही नहीं। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि विवाह में ब्रेक के योग नहीं है, कुंडली मिलान में डायवोर्स के योग नहीं है। क्योंकि कई बार अधिकतर जो है वो पता चलने पर कोई भी पार्टनर साथ में रहना नहीं चाहेगा, अधिकतर कुछ गिने चुने होते हैं, खासतौर पर महिलाएं जो कॉम्प्रोमाइज करके बेचारी रह लेती हैं, लेकिन अधिकतर तो नहीं रहना चाहेगा। तो इस तरह की स्थितियां बन के सामने आती है, ऐसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है मुझे, और कभी कभी तो ये मैं स्तब्ध हो जाता हूँ कि क्या बोलूँ, क्या उपाय दूँ, ऐसे व्यक्ति से क्या कहा जाए। कई बार ऐसे लोगों को बुरा भी लग जाता है मेरी बातों का जब मैं उन्हें कुछ सलाह देने जाता हूँ, तो खैर बुरा लगे जो लगे, लेकिन मेरा मानना ये है और मेरी चाहत ये है कि
किसी के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, और अच्छे से अच्छे किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, पढ़े लिखे व्यक्ति से कुंडली मिलान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स को पहचानो, लूटपाट से बचने का प्रयास करो, और कुंडली मिलान करके ही शादी करो। एक मेरे पास 2 दिन पहले एक पर्सन का फ़ोन आया था, वो मुझे कह रहे थे कि मतलब बच्चा था इन द सेंस कि लगभग 25 साल का था वो, और वो मुझे कह रहा था कि मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ, फला फला कोई एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मुझे कहा है कि आपका लव मैरिज हम करवा देंगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। मैंने कहा भैया मैं कोई गारंटी नहीं लेता, मैं किसी का भाग्य बदलने की कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अंधविश्वास को फैलाता नहीं हूँ। किसी का भाग्य बदलना होता तो हम एस्ट्रोलॉजर्स अपना भाग्य ना बदल लेते, हम प्रधानमंत्री ना बन जाते। तो अब इस तरह से लोगों को, जैसे नए बच्चे हैं, जैसे 25 साल का, वो अब उनकी जो भी जिनसे वो प्यार करते होंगे या सो कॉल्ड प्यार होगा, पता नहीं क्या रहा होगा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो उनकी उम्र क्या रही होगी, जो लड़की हैं, मैंने खैर पूरा डिटेल नहीं पूछा उनसे, तो उनकी उम्र क्या रही होगी, कम रही होगी उनकी उम्र। अब ये इन लोग को ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो है सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बढ़ावा देते, जाओ कर लो शादी, हम आपके लिए उपाय कर रहे हैं। अब हो सकता है कि उनकी शादी का कुछ योग रहा हो, उनकी शादी हो जाए, ये लोग अपना क्रेडिट ले लें, लेकिन शादी के बाद क्या होगा, माता पिता पर क्या गुजरेगी, ये सब तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कुंडली मिलान अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, और फिर शादी के बाद इसी तरह के फिर वापस से जो माता पिता को धोखा दे दिया, वो दूसरे को धोखा क्यों ना देंगे, पति को धोखा क्यों ना देंगे, पत्नी को धोखा क्यों ना देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ जाता है कभी कभी, और दुनिया है, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के लोगों से बात होती है, कई तरह लोगों को झेलना पड़ता है, कई तरह के लोग खुश होते हैं, कई तरह के लोग दुखी होते हैं मेरी बातों से। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का काम होता है सीधी सीधी बातें करना, सीधा सीधा बताना जो सही है, सिर्फ मोटिवेशन दे दें आपको, हाँ हो जाएगा आपका काम, या सिर्फ आपके मोटिवेशन को हर ले, नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। खैर मुझे लगता है कि जो मुझे आपको आपसे कहना था वो आप तक पहुंच गया है। मुझे विश्वास है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी बातें पसंद आती हैं। यदि आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, वीडियोस पसंद आते हैं, तो कमेंट में बताया कीजिए कि आपको अच्छा लगा, क्योंकि आप बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब निकल रहा है, आपके साथ ऐसी बातें शेयर मैं कर रहा हूँ। या फिर आप जैसे राशिफल के वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वर्ल्ड वाइड राशिफल के वीडियो बहुत ज़्यादा, भविष्यफल के वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो क्या वहीं पर रहना चाहिए या फिर इस तरह के वीडियोज़ भी बनाना चाहिए? तो अब जो भी आप लोगों को पसंद होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वही करना है ना मुझे, मैं अकेले मुझे तो ये ज्ञान है, मैं अपने आप को तो ये ज्ञान देने के लिए वीडियो बना नहीं रहा हूँ, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी पसंद आनी चाहिए बातें, तभी तो सक्सेस हो पाऊंगा मैं। अदरवाइज जो आपको पसंद आता है लाइक राशिफल, लाइक भविष्यफल, बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे। खैर आज का ये वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा, नमस्कार।